शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों के। आमीन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है, परहेजगारों के लिए रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ऐ पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने ख्याल में अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते और इससे बेखबर है। इनके दिलों में कुफ्र का मर्ज था, अल्लाह ने इनका मर्ज और ज्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न डालो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसिद हैं, लेकिन खबर नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए। सुन लो कि यही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और मुसलमानों से तो हम हंसी किया करते हैं। इन मुनाफिकों से अल्लाह हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी, तो न तो इनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न ये हिदायत याब ही हुए। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने शबे तारीख में आग जलाई, जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी जायल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। या इनकी मिसाल में किसी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कौंध रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे ले। और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है, करीब है कि बिजली की चमक इनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और इन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाती हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आंखों की बिनाई दोनों को जायल कर देता। बिला शुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेह बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवाओ अकसाम के मेवे पैदा किए। बस किसी को अल्लाह का हमसर न बनाओ, और तुम जानते तो हो। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ, और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे।
अल्लाह इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान फरमाए। अब जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं कि वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद ही क्या है। इससे अल्लाह बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है, और गुमराह भी करता है तो नाफरमानों ही को, जो अल्लाह के इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं, और जिस चीज यानी रिश्ते कराबत के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको कटे किए डालते हैं और जमीन में खराबी करते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। काफिरों, तुम अल्लाह से क्यों कर मुनकिर हो सकते हो? जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उनको ठीक ठीक सात आसमान बना दिया, और वो हर चीज से खबरदार है। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कुछ तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। फरमाया, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना है हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि आदम तुम इनको इन चीजों के नाम बताओ। सो जब उन्होंने उनको उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की सब पोशीदा बातें जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्ते बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया, बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। ऐ आले याकूब, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और उस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। मैं उस इकरार को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया था, और मुझी से डरते रहो। और जो किताब मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जो तुम्हारी किताब यानी तौरात को सच्चा कहती है, उस पर ईमान लाओ और उससे मुनकिर अव्वल न बनो। और मेरी आयतों में तहरीफ करके उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफ़ात ना हासिल करो, और मुझी से खौफ रखो, और हक को बातिल के साथ न मिलाओ, और सच्ची बात को जानबूझ कर न छुपाओ, और नमाज पढ़ा करो और जकात दिया करो, और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये क्या अक्ल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपने तई फरामोश किए देते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो, क्या तुम समझते नहीं? और रंज तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो, और बेशक नमाज गरा है मगर उन लोगों पर गरा नहीं जो इज्ज करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ याकूब की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम ना आए और न किसी की सिफारिश मंजूर की जाए और न किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाए और न लोग किसी और तरह मदद हासिल कर सकें।
और हमारे उन एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फिरौन से नजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया, फिर तुमको तो नजात दी और फिरौन की कौम को गर्क कर दिया और तुम देख रहे थे। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया तो तुमने उनके पीछे बछड़े को माबूद मुकर्रर कर लिया और तुम जुल्म कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने तुमको माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और जब हमने मूसा को किताब और मौजज़े इनायत किए ताकि तुम हिदायत हासिल करो। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि भाइयों, तुमने बछड़े को माबूद ठहराने में अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो, फिर अपनों को कत्ल करो, तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है। फिर उसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया, वो बेशक बड़ा मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जब तुमने मूसा से कहा कि मूसा, जब तक हम अल्लाह को सामने न देख लेंगे तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, तो तुमको बिजली ने आ घेरा और तुम देख रहे थे। फिर मौत आ जाने के बाद हमने तुमको असर नौ जिंदा कर दिया ताकि एहसान मानो, और हमने बादल का तुम पर साया किए रखा और तुम्हारे लिए मन व सलवा उतारते रहे कि जो पाकीजा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ पियो, मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने उन नेमतों की कुछ कदर न जानी, और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते थे बल्कि अपना ही नुकसान करते थे। और जब हमने उनसे कहा कि उस गांव में दाखिल हो जाओ और उसमें जहां से चाहो खूब खाओ पियो, और देखना दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते हुए और हितवतुन कहना, हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। तो जो जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया। बस हमने उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया क्योंकि नाफरमानियां किए जाते थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए हमसे पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो और जमीन में फसाद न करते फिरना। और जब तुमने कहा कि मूसा, हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात जमीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने कहा कि उम्दा चीजें छोड़कर उनके बदले नाकिस चीजें क्यों चाहते हो? अगर यही चीजें मतलूब हैं तो किसी शहर में जा उतरो, वहां जो मांगते हो मिल जाएगा। और आखिरकार जिल्लत रुस्वाई और मोहताजी और बेनवाई उनसे चिमटा दी गई और वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी इसलिए कि नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम और मजहब का हो, जो अल्लाह और रोजे कयामत पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा, तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला अल्लाह के यहां मिलेगा और कयामत के दिन उनको न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जब हमने तुमसे अहद कर लिया और कोहेतूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो, फिर तुम उसके बाद अहद से फिर गए, सो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो तुम खसारे में पड़ गए होते। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील खार बंदर हो जाओ। और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल जबा करो, वो बोले, क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि नादान बनूं। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें यह बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो, सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दरखास्त कीजिए कि हमको यह भी बता दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा,
परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, अब के परवरदिगार से फिर दरखास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं और अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, न तो जमीन जोतता हो और न खेती को पानी देता हो, बेऐब हो, उसमें किसी तरह का दाग ना हो। कहने लगे, अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी, गरज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को जबह किया जबकि वो ऐसा करने वाले लगते न थे, और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो उसमें बाहम झगड़ने लगे, हालांकि जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। चुनाचे हमने कहा कि उस बैल का कोई सा टुकड़ा मक्तूल को मारो, इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए गोया वो पत्थर हैं या उनसे भी ज्यादा सख्त, और पत्थर तो बाजे ऐसे होते हैं कि उनमें से चश्मे फूट निकलते हैं और बाजे ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलने लगता है, और बाजे ऐसे होते हैं कि अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। मोमिनों, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएंगे, हालांकि इनमें से कुछ लोग कलामुल्लाह यानी तौरात को सुनते फिर उसके समझ लेने के बाद उसको जानबूझकर बदल देते रहे हैं, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जिस वक्त तन्हाई में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं जो बात अल्लाह ने तुम पर जाहिर फरमाई है वो तुम उनको इसलिए बताए देते हो कि कयामत के दिन उसी के हवाले से तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुमको इल्जाम दें। क्या तुम समझते नहीं? क्या ये लोग ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब मालूम है, और बाज उनमें अनपढ़ हैं कि अपनी आरजुओं के सिवा अल्लाह की किताब से वाकिफ ही नहीं, और वो सिर्फ अटकल से काम लेते हैं। सो उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के पास से आई है ताकि उसके इवज थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मनफात हासिल करें। सो उन पर अफसोस है इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं, और फिर उन पर अफसोस है इसलिए कि ऐसे काम करते हैं और कहते हैं कि दोजख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी। इनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से इकरार ले रखा है कि अल्लाह अपने इकरार के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मुतलक इल्म नहीं? हां, क्यों नहीं, जो बुरे काम करे और उसके गुनाह हर तरफ से उसको घेर लें तो ऐसे लोग दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें जलते रहेंगे, और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा उसमें ऐश करते रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भलाई करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना और नमाज पढ़ते और जकात देते रहना, तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब उस अहद से मुंह फेर कर पलट गए। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में कुछ तो खून न करना और अपनों को उनके वतन से न निकालना, तो तुमने इकरार कर लिया और तुम इस बात को मानते भी हो। फिर तुम वही हो कि अपनों को कत्ल भी कर देते हो और अपने में से बाज लोगों पर गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करके उन्हें वतन से निकाल भी देते हो, और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो बदला देकर उनको छुड़ा भी लेते हो, हालांकि उनका निकाल देना ही तुम पर हराम था। ये क्या बात है कि तुम किताबुल्लाह के बाज अहकाम को तो मानते हो और बाज से इनकार किए देते हो, तो जो तुम में से ऐसी हरकत करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की जिंदगी में तो रुसवाई हो और कयामत के दिन सख्त से सख्त अजाब में डाल दिए जाए, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे गाफिल नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीदी, सो न तो इनसे अजाब ही हल्का किया जाएगा और न इनको और तरह की मदद मिलेगी। और हमने मूसा को किताब इनायत की और उनके पीछे यके बाद दीगरे पैगंबर भेजते रहे, और ईसा इब्न मरियम को खुले निशानात बख्शे और रूहुल कुदस यानी जिब्राइल से उनको मदद दी। तो क्या ऐसा है कि जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आए जिनको तुम्हारा जी नहीं चाहता था तो तुम सरकश हो जाते रहे और एक गिरोह अंबिया को तो झुटलाते रहे
और एक गिरोह को कत्ल करते रहे और कहते हैं हमारे दिलों पर पर्दे हैं, नहीं बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर के सबब उन पर लानत कर रखी है, बस ये थोड़े ही पर ईमान लाते हैं। और जब अल्लाह के हाथ से उनके पास किताब आई जो उनकी आसमानी किताब की भी तस्दीक करती है, और वो पहले हमेशा काफिरों पर फतह मांगा करते थे, फिर जिस चीज को वो खूब पहचानते थे जब उनके पास आ पहुंची तो उससे मुनकिर हो गए, बस काफिरों पर अल्लाह की लानत। जिस चीज के बदले उन्होंने अपने तई बेच डाला वो बहुत बुरी है, यानी इस जलन से कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपनी मेहरबानी से नाजिल फरमाता है। अल्लाह की नाजिल की हुई किताब से कुफ्र करने लगे तो वो उसके गजब बालाए गजब में मुब्तला हो गए, और काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने अब नाजिल फरमाई है उसको मानो, तो कहते हैं कि जो किताब हम पर पहले नाजिल हो चुकी है हम तो उसी को मानते हैं, यानी ये उसके सिवा और किताब को नहीं मानते, हालांकि वो सरासर सच्ची है और जो उनकी आसमानी किताब है उसकी भी तस्दीक करती है। इनसे कह दो कि अगर तुम साहिब ईमान होते तो अल्लाह के पैगंबरों को पहले ही क्यों कत्ल किया करते थे, और मूसा तुम्हारे पास खुले हुए मौजजात लेकर आए फिर तुम उनके कोहे तूर पर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे, और तुम अपने ही हक में जुल्म करते थे, और जब हमने तुम लोगों से पुख्ता अहद लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़ो और जो तुम्हें हुक्म होता है उसको सुनो, तो वो जो तुम्हारे बड़े थे कहने लगे कि हमने सुन तो लिया लेकिन मानते नहीं, और उनके कुफर के सबब बछड़ा गोया उनके दिलों में रच गया था। ऐ पैगंबर उनसे कह दो कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है, कह दो कि अगर आखिरत का घर और लोगों यानी मुसलमानों के लिए नहीं और अल्लाह के नजदीक तुम्हारे ही लिए मखसूस है तो अगर सच्चे हो तो मौत की आरजू तो करो, और उन आमाल की वजह से जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं ये कभी उसकी आरजू नहीं करेंगे, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है, और इनको तुम और लोगों से ज्यादा जिंदगी के हरीस देखोगे, यहां तक के मुशरिकों से भी बढ़कर। इनमें से हर एक यही ख्वाहिश करता है कि काश वो हजार बरस जीता रहे, मगर इतनी लंबी उम्र उसको मिल भी जाए तो उसे अजाब से तो नहीं छुड़ा सकती, और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनको देख रहा है। कह दो कि जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो ये किताब अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके पैगंबरों का और जिब्राइल और मीकाईल का दुश्मन हो तो ऐसे काफिरों का अल्लाह दुश्मन है, और हमने तुम्हारे पास सुलझी हुई आयतें इरसाल फरमाई हैं, और इनसे इनकार वही करते हैं जो बदकिरदार हैं। इन लोगों ने जब जब अल्लाह से कोई अहद किया तो उनमें से एक फरीक ने उसको किसी चीज की तरह फेंक दिया, हकीकत यह है कि इनमें अक्सर बेईमान हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो उनकी आसमानी किताब की तस्दीक भी करते हैं तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया, गोया वो जानते ही नहीं, और उन चीजों के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने मुतलक कुफर की बात नहीं की बल्कि शैतान ही कुफर करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे, और वो यानी बनी इसराइल उन बातों के भी पीछे लग गए जो शहर बाबिल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थी, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो जरिया आजमाइश हैं, तुम कुफर में न पढ़ो, गरज लोग उनसे वो चीज सीखते जिससे मियां बीवी में जुदाई डाल दें, और अल्लाह के हुक्म के सिवा वो उस चीज से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाते और फायदा कुछ न देते, और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजों यानी सहर और मंत्र वगैरह का खरीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज के एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी, क्या अच्छा होता जो वो इस बात को जानते, और अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी करते तो अल्लाह के हाथ से बहुत अच्छा सिला मिलता,
क्या अच्छा होता जो वो इससे वाकिफ होते। ऐ अहले ईमान, गुफ्तगू के वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रायना ना कहा करो, उनजुरना कहा करो, और खूब सुन रखो, और काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब है। जो लोग काफिर हैं, अहले किताब या मुशरिक, वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम लोगों पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खैर और बरकत नाजिल हो, और अल्लाह तो जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। हम जिस आयत को मंसूख कर देते या उसे फरामोश करा देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देती हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं? मुसलमानों, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा से किए गए थे? और जिस शख्स ने ईमान छोड़कर उसके बदले कुफ्र लिया तो यकीनन वो सीधे रस्ते से भटक गया। बहुत से अहले किताब अपने दिल की जलन से ये चाहते हैं कि ईमान ला चुकने के बाद तुमको फिर काफिर बना दें, हालांकि उन पर हक जाहिर हो चुका है। तो तुम माफ कर दो और दरगुजर करो यहां तक कि अल्लाह अपना दूसरा हुक्म भेजे। बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। और नमाज अदा करते रहो और जकात देते रहो, और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको अल्लाह के यहां पालोगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई बहिश्त में नहीं जाने का। ये इन लोगों के ख्यालात बातिल हैं। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। हाँ, क्यों नहीं, जो शख्स अल्लाह के आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान ले आए और वो नेकुकार भी हो तो उसका सिला उसके परवरदिगार के पास है। और ऐसे लोगों को कयामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई रस्ते पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी रस्ते पर नहीं, हालांकि वो किताबे इलाही पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल इन्हीं किसी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक। तो जिस बात में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, अल्लाह कयामत के दिन उसका इनमें फैसला कर देगा। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी के लिए कोशिश करे। इन लोगों को कुछ हक नहीं कि इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब। और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर भी तुम रुख करो उधर ही अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह साहिब वसत है, बाखबर है। और ये लोग इस बात के कायल हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। नहीं, वो पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है और सब उसके फरमाबरदार हैं। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, और जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जाओ, तो वो हो जाता है। और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे वो भी इन्हीं किसी बातें किया करते थे। इन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिब यकीन हैं उनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं। ऐ पैगंबर, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अहले दोजख के बारे में तुमसे कुछ पुरसिश नहीं होगी, और तुमसे ना तो यहूदी कभी खुश होंगे और न ईसाई, यहां तक के उनके मजहब की पैरवी इख्तियार कर लो। इनसे कह दो कि अल्लाह की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है, और ऐ पैगंबर, अगर तुम अपने पास इल्म यानी वही इलाही के आ जाने पर भी इनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला न कोई दोस्त होगा न कोई मददगार। जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो उसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा उसके पढ़ने का हक है, यही लोग उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसको नहीं मानते वही खसारा पाने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए, और ये कि मैंने तुमको अहले आलम पर फजीलत बख्शी। और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आए
और न उससे बदला कबूल किया जाए और न उसको किसी की सिफारिश कुछ फायदा दे और न लोगों को किसी और तरह की मदद मिल सके। और जब इब्राहिम की उसके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। फरमाया कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। फरमाया कि मेरा कौल और करार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े होते थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म भेजा कि तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा मगर फिर उसको अजाब दोजख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा और वो बुरी जगह है। और जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है जानने वाला है। ऐ परवरदिगार हमको अपना फरमा बरदार बनाए रखियो और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना हुक्म बरदार बनाइयो। और परवरदिगार हमें हमारे तरीके इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू ही तवज्जो फरमाने वाला है मेहरबान है। ऐ परवरदिगार इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस की जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और इनके दिलों को पाक साफ किया करे, बेशक तू गालिब है साहिबे हिकमत है। और इब्राहिम के दीन से कौन रूगर्दानी कर सकता है बजुज उसके जो निहायत नादान हो। और हमने उनको दुनिया में भी मुंतखब किया था और आखिरत में भी वो नेक लोगों में होंगे। जब उनसे उनके परवरदिगार ने फरमाया कि मेरे फरमाबरदार हो जाओ तो उन्होंने अर्ज की कि मैं रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार हो गया। और इब्राहिम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की और याकूब ने भी अपने फर्जंदों से यही कहा कि ऐ मेरे बेटो अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है तो मरना तो मुसलमान ही मरना। जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो क्या तुम उस वक्त मौजूद थे? जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है और हम उसी के हुक्म बरदार हैं। ये जमात गुजर चुकी, इनको इनके आमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे आमाल का, और जो अमल वो करते थे उनकी पुरसिश तुमसे नहीं होगी। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो सीधे रास्ते लग जाओगे। ऐ पैगंबर इनसे कह दो नहीं बल्कि हम दीन इब्राहिम इख्तियार किए हुए हैं जो एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। मुसलमानों कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी उस पर, और जो सहीफ़े इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुए उन पर, और जो किताबें मूसा और ईसा को अता हुई उन पर, और जो दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से मिली उन पर, सब पर ईमान लाए। हम उन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी माबूद वाहिद के फरमाबरदार हैं। फिर अगर ये लोग भी उसी तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान ले आए हो तो हिदायत याब हो जाए, और अगर मुंह फेर ले और न माने तो वो तुम्हारे मुखालिफ हैं और उनके मुकाबले में तुम्हें अल्लाह काफी है और वो सुनने वाला है जानने वाला है। कह दो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। उनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो? हालांकि वही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है और हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का, और हम खास उसी की इबादत करने वाले हैं। ऐ यहूदो नसारा क्या तुम इस बात के कायल हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद
यहूदी या ईसाई थे? ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की शहादत को जो उसके पास किताब में मौजूद है छुपाए? और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं। ये अंबिया की जमात गुजर चुकी, इनको वो मिलेगा जो इन्होंने किया और तुमको वो जो तुमने किया, और जो अमल वो करते थे उनकी पुरसिश तुमसे नहीं हो।